बच्चों चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान इकाई 8 वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान या वस्त्र का परिचय। जिस प्रकार भोजन शरीर की जैविक क्षमताओं को बनाए रखता है उसी तरह वस्त्र शरीर की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु आवश्यक है। कि हम जिस तरह भोजन करते हैं भोजन से हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिससे हम अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। उसी तरह वस्त्र भी हमारे शरीर की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु आवश्यक है। वस्त्र में सजे धजे व्यक्ति को देखकर उसके देश की पहचान कर सकते हैं। जो पहनावा है जो वस्त्र है उससे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है कि वह जो व्यक्ति है वह किस देश का रहने वाला। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के हर पल चाहे वह जागृत अवस्था हो या सोया हुआ हो या किसी कार्य में कार्यरत हो या वह निष्क्रिय हो रोगी हो या स्वस्थ हो अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति खेल रहा हो जो भी कुछ वह क्रियाएं कर रहा हो या वह निष्क्रिय हो वस्त्रों का हर समय उपयोग करता। आप इसी में देखेंगे कि वस्त्र प्रयोग के कुछ उद्देश्य होते हैं तो वस्त्र प्रयोग के उद्देश्य कौन कौन से। तो सबसे पहला है कि शरीर की विभिन्न मौसम में सुरक्षा। ठंड आती है तो हम गर्म कपड़े ऊनन कपड़े पहनते हैं शरीर को सर्दी से बचाते हैं। जो बारिश के मौसम में हम बरसाती वगैरह पहनते हैं जिससे हम आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं और हम गीले नहीं। फिर दूसरा है व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने हेतु। वस्त्र से कपड़ों से व्यक्तित्व में बहुत निखार आता है। आप अच्छे तरीके से सलीकेदार कपड़े पहनेंगे तो आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो वस्त्र से व्यक्तित्व को आकर्षक भी बनाया जा सकता है और यदि स्वयं की आर्थिक संपन्नता को व्यक्त करते हैं तो जैसे पुलिस वाले सन्यासी आर्मी एयरफोर्स पादरी नेवी विद्यालय यूनिफॉर्म आदि स्थानीय संलग्न पहचान उनके विशेष वेशभूषा के कारण भी होती है। इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्ति और वस्त्र का रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं। वस्त्र अन्य स्थानों पर भी प्रयोग किया जाता है जैसे कि रसोई घर के कपड़े नैपकिन स्नान घर में तौलिए बिस्तर बैठने की कमरे की पर्दे कालीन कुशन कवर उद्योग चिकित्सा ऑटोमोबाइल चादरें आदि के क्षेत्र में वस्त्र का महत्वपूर्ण योगदान या स्थान है। वस्त्र विभिन्न जगहों पर उपयोग करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग किस्म के वस्त्र उपयोग में आते हैं। उनका रंग बनावट डिजाइन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि अस्पतालों में हमेशा हरे कलर के ही पर्दों का कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हरा कलर वहाँ पर ज्यादा उपयोग होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वस्त्र को अच्छी तरह समझने के लिए उसके निम्न तंत्रों को अच्छी तरह समझना होगा। वस्त्र निर्माण में जिन तंत्रों का उपयोग होता है उनको देखें तो वस्तु तंत्र वस्त्र में जिन तंतुओं से बना होता है वे कई प्रकार के
वस्त्र बहुत प्रकार के तंतुओं से बना होता है और ये तंतु भी विभिन्न स्रोतों से अलग अलग तरह से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कि वस्त्र तंतु के प्रकार या दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक तंतु जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं और दूसरा है कृत्रिम तंतु या मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु तीन प्रकार के होते हैं, वनस्पतिक, प्राणिक और खनिज। और कृत्रिम तंतु दो प्रकार के होते हैं, अर्धकृत्रिम और पूर्ण कृत्रिम। अर्धकृत्रिम हो गया मानव कृत तंतु और जो पूर्ण कृत्रिम है इसको हम अभी देखेंगे। अब जो वनस्पतिक तंतु है यह है, पहला है कपास, लिनन, जूट, सन और नारियल आदि। प्राणिज तंतु है जो है ऊन और दूसरा रेशम। क्यों प्राणिक तंतु है? क्योंकि ऊन हमको भेड़ों से प्राप्त होता है, रेशम के लिए भी विशेष कीड़े पाले जाते हैं उनके द्वारा हमको रेशम का धागा प्राप्त होता है। फिर है खनिज तंतु, इसमें सोना, चांदी और स्टील। अब है मानव तंतु जो सेल्यूलोज से प्राप्त रेशे हैं और दूसरे जो प्रोटीन से प्राप्त रेशे हैं। फिर है जो पूर्ण कृत्रिम तंतु में या रासायनिक तंतु, ये है नायलॉन, बेक्टोन, पेरिलिन और लोन और एक्रिलिन। ये है रासायनिक तंतु जिनको की बनाया जाता है। फिर जो रेयॉन है यह सेल्यूलोज से प्राप्त रेशे और प्रोटीन से प्राप्त रेशे, इन दोनों के माध्यम से रेयॉन नामक वस्त्र या तंतु बनाया जाता है। इसके भी तीन प्रकार है, नाइट्रोसेल्यूलोज, दूसरा है विस्कोस, फिर है क्यूप्रा अमोनियम। ये रेयॉन के प्रकार है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस या क्यूप्रा अमोनियम। ये जो चार्ट है बच्चों ये आपकी किताब में बना हुआ है, आप इसको देखेंगे तो आपको यह समझने में आसानी होगी। अब हम इसी में देखते हैं आगे कि जो प्राकृतिक तंतु है, कृत्रिम तंतु है, इनके आगे हम सबसे पहले हम देखेंगे कृत्रिम तंतु। तो वर्तमान समय में बाजार में कृत्रिम तंतु का बोलबाला है। इस अध्याय में हम सिर्फ कृत्रिम तंतु के प्रकार एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि कृत्रिम तंतु क्या है। तो कृत्रिम तंतु वे हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अर्धकृत्रिम तंतु मानव प्रत और दूसरा पूर्ण कृत्रिम तंतु जिनको रासायनिक द्वारा बनाया या निर्माण किया जाता है वह पूर्ण कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि अर्धकृत्रिम तंतु या मानव प्रत तंतु कौन से हैं? तो यह तंतु प्राप्ति स्रोतों के आधार पर दो प्रकार होते हैं। यह कैसे और कहां से प्राप्त होते हैं तो स्रोतों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेल्यूलोज से प्राप्त रेशे। इस तंतु के उदाहरण है रेयॉन, एसिटेट आदि। अतः विभिन्न वस्त्रों के प्रकारों को अच्छी तरह समझने के लिए उनके जो निर्माण में तंतुओं का प्रयोग होता है सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे या समझेंगे।
कई प्रकारों को दिल्ली के दो भागों में बांटा गया। इसको समझने के लिए हम यह देखेंगे कि जो वस्त्र तंतु हैं उनको दो भागों में बांटा गया। अभी हमने पढ़ा भी था प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु, और इनको भी अलग अलग भागों में जो विभाजित किया गया है उनको भी देखा। तो अब है प्राकृतिक तंतु, ये तीन प्रकार के होते हैं जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं। पहला है वनस्पतिक तंतु, जैसे कपास, लिनन, जूट, सन, नारियल आदि। प्राणी तंतु, ऊन, रेशम, ये होते हैं प्राणी तंतु। फिर है खनिज तंतु, जैसे सोना, चांदी, स्टील, और धातुओं से जो खींच कर गला कर जो तार बनाए जाते हैं, उन तारों का उपयोग जरी के रूप में तैयार किया जाता है। फिर उनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु का विस्तार से अध्ययन पिछली क्लास में पढ़ा हो। अब है दूसरा कृत्रिम तंतु, वस्त्र निर्माण कृत्रिम विधि से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। ऐसे तंतुओं को कृत्रिम तंतु कहते हैं। आजकल दिनों में प्राकृतिक संपदा के उत्पादन में पर्यावरण असंतुलन की बातें कभी आ रही है, इस वजह से मनुष्य ने कृत्रिम तंतुओं का निर्माण किया है। अतः कृत्रिम तंतु वे तंतु हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये कृत्रिम तंतु भी दो प्रकार के होते हैं, मानवकृत तंतु या अर्धकृत्रिम, रासायनिक तंतु या पूर्ण कृत्रिम तंतु। तो आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट